दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टेक वर्ल्ड के लेटेस्ट और खतरनाक तूफान की, जो है डेविन एआई। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह बात चल रही है कि ये इतना पावरफुल एआई है कि ये ह्यूमन डेवलपर्स को फुल्ली रिप्लेस कर सकता है। ये ऐप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ना ही सिर्फ एप्लीकेशंस बना सकता है बट साथ ही जो भी टेक्निकल एरर्स आते हैं ये उन्हें भी सॉल्व कर सकता है। अगर कोई बग्स है तो ये ढूंढ कर उसको रिजॉल्व करता है। डेविन तो ये भी कह रहा है कि वो कोड को डिप्लॉय भी कर सकता है प्रोडक्शन के लिए। बट क्या ये सच में पावरफुल है? कितना पोटेंशियल है इस एआई टूल में? और क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब को इतना बड़ा खतरा है? क्यों हर कोई डेविन एआई के बारे में बात कर रहे हैं? A US based startup has introduced an AI software engineer called Devin. The AI tool can change the game in code writing and debugging. ऐसा क्या खास है? ये सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। एंड में फ्रेशर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मैंने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की टिप्स भी शेयर की है जो बहुत ही हेल्पफुल है। सो लास्ट तक जरूर देखो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेविन एआई को बनाया है कॉग्निशन एआई नाम की कंपनी ने और इसे दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है। आप इनका ये लॉन्च वीडियो देख सकते हो, काफी कुछ यहाँ से समझ में आएगा। बात चल रही है कि क्या ये सभी ह्यूमन डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा। ये ऐप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सभी टास्क आराम से मिनट्स में कर सकता है। एप्लीकेशंस को बिल्ड करना, हर तरह के टेक एरर्स भी ठीक कर सकता है। एंड टू एंड कोड डिप्लॉय कर सकता है, ये भी इनकी वेबसाइट पर क्लेम है। बग्स को फाइंड करना, फिक्स करना, कोड को स्टार्ट टू एंड क्रिएट करना, एवरीथिंग। अभी तक पब्लिक एक्सेस में ये नहीं आया है बट कई लोगों ने इसको ट्राई आउट किया है और बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं। देखो अभी तक दूसरे भी AI टूल्स हैं जहां पर AI की हेल्प से कोड बनाकर मिलता है बट ज्यादातर इंजीनियर्स ने बोला कि चैट जीपीटी या कोपायलट वगैरह से बनवाए हुए कोड ज्यादातर ठीक से काम नहीं करते। आपको कोड बनाकर मिलता तो है बट आपको खुद को भी उसमें कुछ चेंजेस एंड वर्क करना पड़ेगा जिसके बाद वो कोड कम्प्लीटली वर्क करेगा। सो अभी तक का AI कोडिंग एंड ऑल उतना ज्यादा हाई पावर है नहीं बट ये टूल बहुत पावरफुल बताया जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट टास्क ये कर सकता है। सो इसीलिए इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है। भाई फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब का क्या? सो क्या ये डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा? अगर आप ट्रेंड्स देखो, चाहे चैट जीपीटी, क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी नया टेक आया हो, डिजिटल वर्ल्ड में एक वक्त ये भी था जब ऑनलाइन बैंकिंग एंड UPI की वजह से लोग कह रहे थे कि बैंकर्स की जॉब्स खत्म। देखो ऐसा है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आने के बाद हो सकता है कुछ जॉब्स यूजलेस बन जाए बट साथ ही नई जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज खुलती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अराउंड। अब जॉब जाना या ना मिलना सिर्फ उनके साथ होता है जो इस चेंज के साथ खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते। बट क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स को गायब कर देगा? देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस टूल में पोटेंशियल नहीं है। ये बहुत सारे टास्क ऑटोमेट कर देगा, बग्स को भी फिक्स कर सकेगा। सो हाँ, ये वर्क को तो इंपैक्ट करेगा, ये बात तो श्योर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे गायब नहीं होंगे बट टीम साइजेस जरूर छोटे होने लगेंगे क्योंकि AI की वजह से कई टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे। टीम साइजेस डेफिनेटली छोटे हो जाएंगे, 8 की जगह शायद सिर्फ 3-4 की टीम में भी सेम काम हो जाएगा AI की हेल्प से। बट AI के साथ साथ ऐसे ह्यूमन डेवलपर्स की जरूरत तो पड़ेगी जो उसका बेस्ट यूज करना जानते हो और अच्छा वर्क डिलीवर करने में उसका यूज कर पाए और साथ ही AI के बनाए कोड को समझकर मॉडिफाई करके या कोई कोड एरर्स को पहचान कर सॉल्व कर पाए। सो AI टूल यूज करने के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए और सिर्फ कोड पर काम करना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम नहीं होता। उनको काफी कुछ सोचना, समझना एंड अप्लाई करना होता है, स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचना होता है। ये कुछ वो स्ट्रॉन्ग स्किल्स है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही हो सकती है। AI अभी तक वो क्रैक नहीं कर पाया है। आपका काम ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब क्लाइंट के लिए होता है और वो सब कंसीडर करके काम सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं। क्लाइंट की नीड या प्रॉब्लम समझना, सॉल्यूशन पर वर्क करना, अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी बनाकर कोड करना, सही रिजल्ट्स डिलीवर करना, ये AI नहीं कर सकता। AI आपको टिप्स या सजेशन दे सकता है बट ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड स्मार्टनेस के साथ फिर भी कम्पीट नहीं कर सकता। एक इमोशनल टच, गट फीलिंग का बड़ा रोल होता है और उसमें आपकी हेल्प करेगी सही स्किल्स। टेक स्किल्स ही नहीं और भी कई सराउंडिंग चीजें हैं जो डिसाइड करेगी कि आप AI के होते हुए भी कितना पावरफुल कैंडिडेट साबित हो सकते हो। इंडस्ट्री ट्रेंड्स को लेकर क्या नॉलेज है, क्या नई टेक्नोलॉजी के लिए आपने कुछ सीखा, क्या आपने नई स्किल्स एंड टूल्स सीखी। एवरेज टेक ग्रेजुएट से ज्यादा आपको इंडस्ट्री में इन डिमांड जॉब रोल्स के लिए भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ ऑनलाइन कोर्स वीडियो देखकर सर्टिफिकेट शेयर करने से ही नहीं होगा। आपको वो हाई पेइंग स्किल्स सच में डेवलप करनी होगी। टेक फील्ड में फ्यूचर जॉब रोल्स के हिसाब से अपना डोमेन चूज करना होगा। जैसे कोडर्स एंड डेवलपर्स अपनी प्रोग्रामिंग नॉलेज को तो ब्रश करते ही है बट डेटा साइंस की फील्ड में क्योंकि हाई पेइंग एंड इन डिमांड अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है, अपग्रेड करने की जरूरत तो है ही। जो लोग अब टेक फील्ड में एंटर कर रहे हैं उन्हें भी मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस, इन सब फील्ड्स को फोकस पर रखकर स्किल्स डेवलप करनी होगी।
फ्यूचर प्रूफ रहने के लिए, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग के बाद अगर आप हाई पेइंग स्किल्स पर फोकस करोगे तभी अच्छा पे, अच्छा जॉब रोल्स एंड ग्रोथ मिल पाएगी। एक अमेजिंग डेटा साइंस बूट कैंप ओडिन स्कूल पर ऑफर हो रहा है, 4.6 रेटिंग्स मिली है इसे, एंड ये फुल ट्रेनिंग से लेकर प्लेसमेंट असिस्टेंस सब कुछ एक ही कोर्स में मिल जाता है। ये फुल 6 मंथ की ट्रेनिंग है। बेस्ट बात है ये एक प्रॉपर लाइव कोर्स है जहां एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स आपको लाइव सिखाते हैं। प्रोजेक्ट्स की हेल्प से अमेजिंग लर्निंग होती है एंड पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाता है। इस बूट कैंप में 6 मंथ के अंदर हाई पेइंग जॉब्स के लिए आपको तैयार किया जाता है एंड उसके बाद आपको अनलिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। कितनी भी कंपनीज में आप ट्राई कर सकते हो। आप यहां देखो 115 लाइव सेशन आपको मिलेंगे, 500 से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेस है, सो आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। इस बूट कैंप में आप देखो 230 से ज्यादा असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कराते हैं जो किसी कोर्स में देखने नहीं मिल रहा। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराएंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को लैब्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं और प्लेसमेंट सपोर्ट भी तगड़ा मिलता है। यहां आप लिस्ट देख सकते हो, इनके पास 500 प्लस कंपनीज है जो हायर कर रही है। इवन देखो जॉब एप्लीकेशन की प्रोसेस के लिए भी कई सारा ट्रेनिंग मिलता है। कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल, वर्कशॉप्स, सब कुछ ऑफर किया जा रहा है। और बेस्ट बात है कि बहुत ही इजी ईएमआई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। कई स्टूडेंट्स ने अपना करियर स्टार्ट किया है, रिज्यूम किया है और इवन टोटली चेंज या अपग्रेड भी किया है। इस कोर्स को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अगर आप इन डिमांड डेटा साइंस या रिलेटेड किसी डोमेन में आगे बढ़ना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब बात करेंगे एक्सपर्ट टिप्स की। अब देखो मैंने बात की एक्सपर्टीज की, नॉलेज एंड स्किल्स की, यहां तक कि जब बात आती है एक्सपीरियंस या ह्यूमन इंस्टिंक्ट की। फ्रेशर्स के लिए ये कंफ्यूजन होता है कि यार हमने तो काम नहीं किया, हमारे पास सभी टॉप एडवांस स्किल्स भी अभी तक नहीं है, फिर हम जॉब मार्केट का कॉम्पिटिशन कैसे फाइट करेंगे, ऊपर से AI एंड अगर जॉब्स कम हुए तो हम कैसे उस रेस में जीतेंगे। सो इसके लिए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर काफी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर से वो आपको बता रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ो। फर्स्ट तो ये है कि AI से दोस्ती कर लो। अगर आप चाहते हो आपके जॉब का एनिमी ना बने, देन उससे दोस्ती कर लो, यूज करना शुरू करो। मार्केट में जो भी AI टूल्स अभी आ रहे हैं टच में रहो, ट्राई आउट करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, कंटेंट देखो और उस टूल को पावरफुली कैसे यूज करना है ये सीखो। टूल वर्ड को याद रखो, आपको कंपटीशन नहीं करना है AI से, आपको उसको खुद के लिए टूल की तरह यूज करना सीखना है। सेकंड, बी एक्स्ट्रा। इसका मतलब कि अगर आप रिज्यूमे या लिंक्डइन में बोलोगे कि आपको जावा या कोई लैंग्वेज आती है तो वो सब तो आप AI भी करने ही लगेगा। आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा बेटर होना चाहिए ऑफर करने के लिए और उसके लिए आपको अपना स्किल सेट अपग्रेड करना होगा। क्लाउड सॉल्यूशंस, डिजाइनिंग, प्रॉब्लम समझना, ये सब ऐसी स्किल्स है जो आपको एक एज देगी। थर्ड, मास्टर प्रोग्रामिंग। हाँ भाई, AI आजकल कर पा रहा है प्रोग्रामिंग, बट AI आपको सॉल्यूशन या रिजल्ट देगा, बट उसको आपको समझना है, उसको सही तरह से तैयार करना है, क्योंकि सिर्फ AI पर ट्रस्ट करके इतने इंपॉर्टेंट टास्क आप नहीं कर सकते हो। अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है फिर भी, सो मिस्टेक्स होगी, सो आपका एक्सपर्टीज ही फाइनली काम आएगा। और ना ही क्लाइंट्स या कंपनी सिर्फ AI को ट्रस्ट करती है, कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को AI टूल्स यूज करना ही अलाउ नहीं करती है बिकॉज उन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स या टास्क होते हैं सिर्फ AI पर नहीं छोड़ सकते। सो बेसिकली AI टूल्स का बेस्ट यूज, स्किल अपग्रेड और एक्सपर्टीज ये होना चाहिए हर एक फ्रेशर या इवन करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बेस्ट अप्रोच है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जहां हमने डिस्कस किया डेविन AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर टूल के बारे में डिटेल में। हमने समझा इसकी वर्किंग और पावर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब्स एंड वर्क पर होने वाले इंपैक्ट को भी समझा, AI वर्सेस ह्यूमन स्किल्स का कंपैरिजन भी समझा और साथ ही मैंने शेयर की एक्सपर्ट टिप्स फॉर फ्रेशर्स एंड वर्किंग इंजीनियर्स। साथ ही मैंने आपसे शेयर किया एक ऑसम डेटा साइंस बूट कैंप जहां हर तरह की स्किल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स एंड अनलिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको दिलाई जाती है और उसके लिए फुल रेडी भी किया जाता है। सो डिस्क्रिप्शन में उसे एक बार जरूर देख लेना। आई होप आपको ये सारा नॉलेज यूजफुल लगा हो एंड क्लैरिटी मिली हो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।